हॉलीवुड फिल्म अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। भारत में फिल्म ने करीब 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। अब तक के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई हॉलीवुड फिल्म भारतीय सिनेमाघरों में पहले ही दिन इतनी बड़ी कमाई की हो। अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभरी है। वरुण धवन एक ऐसे सुपरस्टार हैं जिनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है जो आज से पहले किसी के नाम नहीं है। बता दें कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत से लेकर अब तक एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। इस समय वो फिल्म कलंक के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और अपना शरीर फिट कर रहे हैं। उन्होंने वर्कआउट के दौरान एक फोटो शेयर की है जो काफी वायरल हो रही है। अक्षय कुमार एक एनजीओ की मदद के लिए अपनी उस यूनिफॉर्म को नीलाम कर धन जुटा रहे हैं जिससे उन्होंने फिल्म रुस्तम में पहना था। नीलामी की शुरुआत 20,000 रुपए से हुई थी जो कि 24 घंटे में 2.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ये नीलामी 26 अप्रैल से शुरू हुई है और 26 मई तक चलेगी। रिपोर्ट की माने तो बजरंगी भाईजान के बाद अब चीन में सलमान खान की दूसरी फिल्म भी रिलीज होने को तैयार है। जी हाँ, चीन में सलमान खान की सुल्तान रिलीज होने वाली है। हालांकि अभी रिलीज डेट तय नहीं किया गया है लेकिन उम्मीद है कि फिल्म जल्द ही रिलीज होगी। बता दें बजरंगी भाईजान ने चीन में 300 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। एक्ट्रेस सना सईद ने शाहरुख खान के साथ फिल्म कुछ कुछ होता है में अंजलि बनकर खूब तारीफें बटोरी थी। हाल ही में सना ने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की है जिन्हें काफी पसंद किया जा रहा है। सना सईद का ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस के सिजलिंग लुक की सोशल मीडिया पर लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कड़ सिंगिंग के साथ टीवी पर भी नजर आती रहती हैं। पिछले दिनों ही नेहा सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स में नजर आई थी। अब वो जल्द ही टीवी पर आने वाले शो इंडियन आइडल में नजर आएंगी। इस सिंगिंग रियलिटी शो में नेहा जज बनकर नजर आएंगी। नेहा ने कभी इंडियन आइडल से ही अपने करियर की शुरुआत की थी। तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार महेश बाबू की हालिया रिलीज्ड फिल्म भारत आने नेनू से उनकी पॉपुलैरिटी और कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अब महेश बाबू से जुड़ी एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि उनकी एंट्री मैडम तुसाद के म्यूजियम में होने वाली है जिसके लिए उनका मेजरमेंट पूरा कर लिया गया है। निधि अग्रवाल और आदित्य राय कपूर एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों की पहली मुलाकात जिम में ही हुई थी। इसी जिम में वर्कआउट करने वाले एक सूत्र की माने तो आदित्य और निधि बहुत गहरे दोस्त बन चुके हैं। खबर है कि प्रियंका चोपड़ा अपने शो क्वांटिको की शूटिंग के दौरान घायल हो गई हैं। अब वो 3 हफ्ते तक आराम करेंगी। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इस बात की जानकारी प्रियंका ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। प्रियंका ने अपने दूसरे ट्वीट में एक मजेदार बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जब हम लोग इटली में थे तो मैं पूरे क्रू में एक अकेली अभिनेत्री थी। मुझे क्रू के साथ रात में बाहर जाना होता था। हमने काफी टस्कन वाइन पी। अब उन्होंने ऐसा क्यों लिखा ये किसी को नहीं पता। हाय, मैं हूं शिल्पा शिरोडकर और प्लीज कीप वॉचिंग IBC 24। हाय, आई एम फैसल खान एंड यू आर वॉचिंग IBC 24। Keep watching. Hi guys, this is Nandish Singh and you're watching IBC 24. Hi, this is Ali Fazal and you're watching IBC 24. Hello, this is Sandeep Soparkar and you're watching IBC 24. Hi, my name is Jay Soni and you're watching IBC 24.